हेलो दोस्तों, आज हम कैंडिडोल 200 कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक एंटी फंगल ग्रुप का कैप्सूल है, जो कि दाद है, खाज है, खुजली है आदि में उपयोग किया जाने वाला कैप्सूल है, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि इसको किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसको लेने से हमको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और मार्केट में क्या प्राइस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिडोल 200 कैप्सूल, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। बात करते हैं कि इस कैंडिडोल 200 कैप्सूल के अंदर मॉलिक्यूल कौन सा है। मॉलिक्यूल देखें तो इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल डाला गया है, जो कि इट्राकोनाजोल है, और इसकी उपस्थिति देखें तो ये 200 mg में इसके अंदर डाला गया है। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, यानी कि ये कैंडिडोल 200 कैप्सूल किन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो ये एक एंटी फंगल ग्रुप का कैप्सूल है, जिसका उपयोग देखें तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपके शरीर पर कहीं पर भी दाद है, खाज है, खुजली है, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तब इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। यदि आपके किधर का भी दाग देखे, जैसे कि उंगलियों के बीच का कोई दाग है, यदि आपके जांघों के बीच का दाग है, यदि आपके माउथ का है, यदि आपके वजाइनल का है, तब इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसका डोज क्या रहता है। इसका डोज देखे तो ये 200 mg होने के कारण इसकी का 24 घंटे में एक ही कैप्सूल का रहता है, और ये 2 mg में अवेलेबल रहता है। कैंडिडोल 100 और कैंडिडोल 200, यदि आप 100 का लेते हैं तो इसको 2 टाइम खाना पड़ता है, सुबह शाम, और यदि 200 का लेते हैं तो इसको एक ही टाइम खाया जाता है। और ये जो कि एक एंटी फंगल ड्रग होने के कारण जो हमारे शरीर में बनने वाली उसकी फंगल कोशिका झिल्ली को, उसकी वृद्धि को रोक देता है। अब बात करते हैं कि इसको कब लेना चाहिए। लेना जो कि है आप खाने के बाद लेना चाहिए, ताकि क्या अगर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को न मिले। अब बात करते हैं कि इसका मार्केट में क्या प्राइस है। मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूं जो 10 गोली का एक पूरा स्ट्रिप है, जिसका मार्केट में प्राइस की बात करें तो 365 रुपीज़ है, जो हमें हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और जब भी आप इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उपयोग करें, और डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार इस कैप्सूल का उपयोग करना चाहिए, जो कि है एक एंटी फंगल ड्रग है। और यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी इसका उपयोग करती है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इसका आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका मुख्य साइड इफेक्ट इतना कोई नहीं है, और जैसे नॉर्मल सा देखें तो जैसे कि जी घबराना, मिसल आना, उल्टी होना, गैस बनना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और यदि इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर से मिले, और इस कैप्सूल को लेते समय एक्सपायरी देखकर ही लेना चाहिए। यदि आप एक्सपायरी कैप्सूल का भी उपयोग करेंगे तो इसका आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों, कैंडिडोल 200 कैप्सूल के बारे में इतने काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है जो अब तक मिलती रहे।